हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट वन एकेडमी। चलिए, तो डेली सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए शानदार क्लास होती है। आज भी वही क्लास चल रही है, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिविजिबिलिटी। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों तक, प्यारे भाइयों और बहनों तक, जहां तक ये वीडियो आप सभी को मिल पाए, पहुंच पाए, क्योंकि आप एक बेहतर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आइएगा, नंबर सिस्टम की हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा आज अनअकैडमी पर। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, तो अनअकैडमी पर जुड़िए। मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहां पर मैं कंप्लीट चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए आगे। अगर हम बात करना चाहें तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आप एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, आपको अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अनअकैडमी पर चलने वाली जितनी भी कैटेगरी है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी के लिए साहिल 10 एज ए कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट मिल सकता है आपको। और ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो अनअकैडमी पर अभी मिल रहा है। मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ी है। सुबह 9 बजे, डेली सुबह 9 बजे क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। जिस टॉपिक वाइज टेस्ट में एवरेज हम कवर कर रहे हैं, सुबह 9 बजे वाली क्लास में बहुत कुछ सीखने को आपको वहां मिलेगा। 3 बजे आपका क्या होगा, 3 बजे आपका कैच द मैथ होता है, जिस कैच द मैथ के रिगार्डिंग आप बहुत सारी चीजों को कवर कर रहे हो। और मैं डेली एक मॉक टेस्ट लेता हूं, वो आज भी होने वाला है। लिंक कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाती है। अगर मैं आगे बात करूं तो सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज हो गया, 11 बजे ये चल रहा है, 12:30 बजे प्रीवियस ईयर पेपर होगा, 2 बजे फाउंडेशन, 3 बजे कैच द मैथ, 12:30 बजे ये होने वाला है। और आज आपके सामने वेनसडे को स्पेशल मेला होता है, स्पेशल क्लास भी होती है अनअकैडमी पर। शाम को 5 बजे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने वाला हूं, और रात को 8 बजे नंबर सिस्टम। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, कितने लोग क्लास में रेगुलर है, लगातार जो देख रहे हैं, लगातार जिन्होंने हर एक चीज को पढ़ा है, समझा है, उन्हीं के बिहाफ पर आज रात को टेस्ट होने वाला है। आज रात को 8 बजे नंबर सिस्टम के टेस्ट में आप सभी को आना है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट भी आ सकते हो, अनअकैडमी पर चलती है। लेकिन अगर जो लोग नया है, बच्चा जो नया है स्टूडेंट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साहिल 10 फ्री कोड है, अगर पूछता है तो लगा देना। रात को 8 बजे टेस्ट होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है वो। टेलीग्राम मैथ बाई साहिल सर पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं चीजों की। डिविजिबिलिटी आज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन बाकी थे, इनको निपटाते हैं। जैसे कि ये बोला गया है, क्या पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर आपकी क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन ये बोला गया है क्या, पी क्यू आर एस 13 से छोटी है। तो पी क्यू आर भी कितने प्रकार के अभाज्य हो सकता है, कितने प्रकार से अभाज्य संख्या होगी, ये आपको बताना है। ये सोनू कह रहा है सर टॉपिक पढ़ा दो। सोनू, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कुछ पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो, या बिल्कुल ही निहायती गंवार आदमी हो भाई। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या चल क्या रहा है, ये टॉपिक ही तो चल रहा है, डिविजिबिलिटी शुरू होगा, लेकिन फिर भी तुम एक ही कमेंट को तुम हर क्लास में करते हो, बस टॉपिक पढ़ा दो। यही समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हो, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा आपकी बात, क्या ना क्या चाह रहे हो तुम। हाँ भाई, चलिए तो सर क्या करूं मैं, बताओ मेरे को। तो ऐसा कर सकता हूं मैं कि सर यहां पर आप ऐसा कर लो कि पी क्यू आर एस है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि यार ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 11 हो सकता है, या 7 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताओ। बिल्कुल हो सकता है। तो कितने प्रकार संभव है, 2 संभव है सर पी क्यू आर के। एक पी
प्लस क्यू प्लस आर, मैं चाहूं तो पी प्लस क्यू प्लस आर की बात कर रहा हूं और अभाज्य संख्याएं भी मैं ले रहा हूं, तो मैं ये चाह सकता हूं कि 3 प्लस 5 प्लस 11 भी ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं ना, 5 प्लस 7 प्लस 11 भी ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं ना। तो कितने प्रकार संभव हो गए, हाँ तो कितने प्रकार संभव हो गए, आपके दो हो गए। और यहां बोला गया है कि पी क्यू आर आपकी एक अभाज्य संख्या है, उनका योग भी अभाज्य आना चाहिए। योग भी अभाज्य आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना 19 और ये कितना हो गया 23, तो ये भी आपका प्राइम नंबर आना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में जो भी आ रहा है आप उन्हें जोड़कर देखिए, अगर आपको प्राइम नंबर मिल रहा है तो भी मैं इस कैटेगरी में उन्हें ले लूंगा, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं लूंगा। हाँ अरे यार सब्र कर लो, कुछ बच्चे कह रहे सर दो क्यों नहीं, दो क्यों नहीं, लो दो ले लो, 5 ले लो और 7 ले लो, 14 आ रहा है, दो ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 20 आ रहा है, तो दो ले लो या 5 ले लो, आपका योग जो आना चाहिए वो भी प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं 2 को ले लेता हूं तो वह इवन नंबर बन जाएगा, तो इवन नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2 तो मैं लूंगा नहीं भाई, 2 तो मैं लूंगा नहीं पहली बात तो। क्यों सर, क्योंकि ऑड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं, तो आप पहले तो ऑड ऑड लोगे, पहले तो ये डिसाइड कर लो। बोले सर समझ गया, ठीक है ओके। उसके बाद में अगर और ले रहे हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है, 3 5 7 11 में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, जिसका सम जो हो वो प्राइम नंबर हो, ठीक है। चलिए क्लियर है डियर, समझ में आ गई बात, चलो बहुत अच्छी बात। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर का गणना करो। तो सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 97 है और सबसे छोटी दो अंकों की संख्या 11 है, तो उनका अंतर हो जाएगा 86। नेक्स्ट, 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं बताओ जल्दी से। तो आप ये जानते हैं कि 10 से लेकर 99 तक आपको बात करनी है, दहाई मतलब 10th डिजिट इन द सीरीज कितने हैं, तो 99 माइनस का 10 प्लस का 1, तो 90 नंबर है जो दहाई के हैं, तो 90 ऐसे नंबर हैं जो दहाई के होने वाले, क्लियर है, यानी कि 10th डिजिट के जो नंबर होंगे वो 90 होंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, क्या बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। अब आता है अपना डिविजिबिलिटी, तो अब टॉपिक डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी, आज टेस्ट होगा शाम को, ध्यान रखना, रात को 8 बजे आप लोगों का टेस्ट है। नंबर सिस्टम जो भी मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसका टेस्ट लूंगा रात को 8 बजे अनअकैडमी पर, और 5 बजे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर। डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकता, क्या है ये डिविजिबिलिटी, कोई भी संख्या होती है उसे हम ये चेक करते हैं, उसे हम ये चेक करते हैं कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं जिनसे ये डिविजिबल है, देखकर पहचानना कि ये संख्या डिविजिबल भी है या नहीं है, भाज्य है या नहीं है, ये सब आपको डिविजिबिलिटी के माध्यम से ही पता लग पाता है। आइए, तो सबसे पहले रूल्स होते हैं कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसकी पहचान क्या होगी,
एक एक चीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आज के टेस्ट में डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप परेशान मत होना, मैंने केवल जहां तक कल तक पढ़ाया है वहां तक ही मैं पेपर में लूंगा, ठीक है। चलिए दो से डिविजिबल क्या होगा सर? चलिए, वह संख्या जिसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो या जीरो हो, तो वह संख्या क्या हो जाती है? जीरो, दो से डिविजिबल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये दो से डिविजिबल है। ये संख्या लिख देता हूं, यह भी दो से डिविजिबल है, तो ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। सबको आता है कि दो से भाजकता का ये नियम होता है कि या तो कोई इवन नंबर हो जाए, 2, 4, 6, 8 कोई भी, या 0 आ जाए, ठीक है। आइए, 3 से डिविजिबल। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि अंकों का योग भी तीन से विभाजित होगा, तभी वह संख्या क्या कहलाएगी? तीन से डिविजिबल कहलाएगी। सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूं, आ जाइए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 31296, क्या ये तीन से डिविजिबल है क्या? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है 3 है, 6 है, 9 है, 2 और 1 3 है, तो यस ये 3 से डिविजिबल है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल कैसे कैसे बनते हैं? मैंने लिख दिया 7869x, यदि 3 से डिविजिबल है तो x, पहला क्वेश्चन, एक्स के कितने मान संभव है? क्वेश्चन नंबर दो, एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर तीन, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? चौथी चीज, सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सभी मानों का योग क्या होगा? इन चारों प्रश्नों के जवाब दीजिए आप। अच्छा
देखिए, तीन से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो सम ऑफ डिजिट देखो, 7 और 8 15 हो रहा है, ये भी खत्म, 6 भी हो रहा है, ये भी खत्म और 9 भी खत्म, तो सर एक्स पे डिपेंड रह गया सारा, ठीक है। तो एक्स के कौन कौन से मान हो सकते हैं, आप 0 रखो तो भी होगा, आप 3 भी रख सकते हो, आप 6 भी रख सकते हो, आप 9 भी रख सकते हो, लेकिन आप 2 अंकों पर नहीं जा सकते क्योंकि एक्स क्या है, एक ही अंक की संख्या है, ठीक है। तो क्या करूंगा बताओ, तो पहली बात तो एक्स के कितने मान संभव हैं, तो पहले आंसर आएगा 4। एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, आपका आंसर आएगा 0, मैक्सिमम वैल्यू 9, और सम ऑफ वैल्यू 9 और 6 15 और 3 18। तो ये सभी आपके क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइव सेवन सिक्स सेवन एक्स नाइन और 2, ठीक है। यदि 3 से डिविजिबल है तो एक्स के कितने संभव मान है, एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू हैं। वही सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, 5 और 7 12 गया, 6 भी गया, 7 और 2 9 भी गया, 9 भी गया, तो बचा केवल एक्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, 0 3 6 9, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, 5 7 6 8 x 4 3, यदि 3 से डिविजिबल है तो एक्स के पॉसिबल वैल्यू, कितने तो क्या करोगे, यहां पर 5 और 7 गया, 6 गया, 8 और 3 क्या हो गया, 11, तो इस 3 को भेजो, अब 8 + x बच गया, क्या क्या रख सकते हो, 1 4 7 और कुछ नहीं, बस केवल 3 मान संभव है, 1 4 7, ओनली 3 पॉसिबल वैल्यू आर देयर, 1 4 7, इसके अलावा कुछ नहीं, क्लियर है, ओके। अगला एग्जाम्पल लीजिए, 5 7 x 6 8 y 2, यदि 3 से डिविजिबल है तो x प्लस y के पॉसिबल कितने मान है, आज टेस्ट होगा तुम सबका अनअकैडमी पर रात को 8 बजे, नंबर सिस्टम का,
लिंक यहां पर और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, सबको आना है। 5 बजे अपना ट्रिग्नोमेट्री होगा और 3 बजे कैच द मैथ होता है वो होगा, ठीक है ना। आ जाओ सर, 5 और 7 गया, 6 गया, 8 और 2 10, तो 10 में से आप 3 को हटा दो, 3 क्या 9 को हटा दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। ये क्लियर है क्या? हाँ। अब आपसे ये कहा जा रहा है यार, x प्लस वाई के क्या हो सकता है यार? मैंने कहा भाई यार वो तो कुछ भी सकता है लेकिन 3 से विभाजित होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि x प्लस वाई प्लस 1 बराबर क्या रखूं जिससे x प्लस वाई की वैल्यू, तो सबसे पहली चीज है कि x प्लस वाई को आप 2 रख दो, ठीक है। उसके बाद आप x प्लस वाई को क्या रख दो, 5। उसके बाद आप x प्लस वाई को क्या रख दो, 8। एक्स प्लस वाई को क्या रख दो आप, 11। एक्स प्लस वाई को आप क्या रख दो, 14। एक्स प्लस वाई को क्या रख दो, 17। एक्स प्लस वाई को क्या रख दो, 20। आ जाओ कितने मान संभव है, कितने मान संभव है सर? ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल होगा? क्या नहीं होगा? अब प्लीज सब लोग सामने देखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। चलिए कॉन्सेप्ट क्यों प्यारा है आ जाइए बताता हूं। कॉन्सेप्ट इसलिए प्यारा है दोस्तों कि आपने यहां तक तो सबको पता है कि कैसे करना है, लेकिन इसके आगे आपको यह देखना होगा कि x प्लस वाई मिलाकर 2 होगा, चलेगा, 3 हो जाएगा, 5 रखूंगा तो 6 हो जाएगा, 8 रखूंगा तो 9। सर ये दोनों कैसे 17 रख सकते हो ना आप, 9 8 और 8 9 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा सर ये बात तो सही कह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन क्या कभी भी आप x प्लस वाई की वैल्यू 20 रख सकते हो क्या, जो यूनिट डिजिट में हो? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कितने मान है, 1 2 3 4 5 6। अब एक क्वेश्चन, अब ये 3 से डिविजिबल वाला लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे चलेंगे। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं मैं, एक्स और वाई के हाउ मैनी पॉसिबल पेयर आर देयर, हाउ मैनी पॉसिबल पेयर आर देयर। अब मैंने युग्म पूछ लिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन कहानी बहुत मजेदार होगी समझदार व्यक्ति के लिए। अच्छा पढ़ना चाह रहे हो ना, बस कितने युग में संभव है ये बता दो बस, हाउ मैनी पॉसिबल आर देयर पेयर बताओ। अब एक्स और वाई कैसे कैसे ले सकते हो आप बताओ भाई,
बताओ बताओ, आराम से बताओ, निकालते जाओ, पूरा निकालना है। हर एक पेयर का अलग अलग बनाना पड़ेगा। 11 निकाल रहे हैं बच्चे, 11 मेरे को जम नहीं रहा। और सोचो, हो भी सकता है, हो, मेरे जमने से क्या है, लेकिन एक बार ट्राई मार लो। चलो आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, कितने पॉसिबल पेयर होंगे ये देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले पहली कंडीशन ले लो, एक्स प्लस वाई बराबर 2। कंडीशन नंबर 1, एक्स प्लस वाई बराबर 2, क्या चल सकता है? 0 2, 2 0 1 1, इज इट ओके? एनी पॉसिबल पेयर आर देयर? नो, ओनली 3। एक्स प्लस वाई बराबर 5, 1 4, 4 1, 2 3, 3 2, और कुछ और भी बता दो। 0 5, 5 0, ओके, ठीक है। तीसरा कंडीशन, एक्स प्लस वाई बराबर 8, 0 8, 8 0, 1 7, 7 1, 2 6, 6 2, 3 5, 5 3, 4 4, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई, तीन कंडीशन क्लियर है। चौथी कंडीशन की तरफ चल रहा हूं, एक्स प्लस वाई बराबर 11। कोई भी आपका क्या होना चाहिए, डबल डिजिट नहीं होना चाहिए। तो 0 11 नहीं लगाओगे, 11 0 नहीं लगाओगे, 1 10 नहीं लगाओगे, दो और 10 10 10 1 नहीं लगाओगे। क्लियर है ना? ये वाले पॉसिबल नहीं है, ये वाले पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है? पता है ना क्यों? बता दो, जिससे कि मुझे भी पता लग जाए कि क्यों नहीं होंगे। ये नहीं चलेंगे सर, क्योंकि ये इकाई अंक होने चाहिए। तो स्टार्टिंग कहां से करोगे आप? 2 से, 2 9, 9 2, 3 8, 8 3, 4 7, 7 4, 5 6, 6 5, हो गया। बस बस, फिर वो 4 7, फिर 4 आ जाएगा, तो फिर 4 तो ले ही लिया मैंने, 4 क्या, 6 ले लिया, ठीक है। आगे 14 वाला, यूनिट डिजिट पे ही लेना है, ठीक है? तो देखो, 10 4 तो नहीं चलेगा, 9 और 5, 5 और 9, 8 और 6, 6 और 8, 7 और 7। बस इसके बाद आपका क्या हो गया भाई? 8 ले नहीं सकते, 8 वाला ले लिया, 6 वाला ले लिया, ठीक है। अब अगला क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 17, अंतिम। यहां कितने हैं सर? 9 8, 8 9, 7 10 ले नहीं सकते, बस और कुछ बता दो। मनीषा कह रही है, सर एक्स प्लस वाई प्लस 1 में एक क्यों लिया सर? कहां लिया है? एक्स प्लस वाई, ये एक तो आएगा ही ना, देखो ना, 8 और 2 10 है। अब 10 में 9 तो डिविजिबल है, बचेगा कितना? एक, ठीक है। चलिए, तो कितने पेयर हो गए? 2 ये रहे, 1 2 3 4 5, 5 ये रहे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये रहे, 13 और 2 15, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
पंद्रह और नौ चौबीस, चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस, तो कुल मिलाकर कितने पेयर हैं? 33 पेयर। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ? इसमें पूरा कवर हो गया, कैट लेवल तक का क्वेश्चन है ये, मैंने तो सारे ही निकलवा दिए। हाँ क्वेश्चन शॉर्ट कैसे बनता पेपर में? ऐसे बोला जाता, शॉर्ट बताऊं कैसे बनता? ऐसे बोला जाता, एक्स प्लस वाई के न्यूनतम मान के लिए एक्स और वाई के कितने पेयर संभव है, तो आंसर क्या होता बताओ? एक्स प्लस वाई के न्यूनतम मान के लिए एक्स और वाई के कितने पेयर संभव है, तो केवल यही वैल्यू लेते आप और उसका आंसर तीन देते। क्वेश्चन यू बनता कि एक्स प्लस वाई के मैक्सिमम मान के लिए कितने पेयर संभव है? दो। दीपक कुमार कह रहा है सर छह ग्यारह, ग्यारह छह भी हो सकता है। दीपक मैं दोबारा नहीं बोलूंगा उस बात पे, ठीक है? आइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीन तक डिविजिबिलिटी के जो भी टफेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आप अच्छे से कर पा रहे हैं। आ जाइए आगे चलते हैं, चार से डिविजिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत काम का भी है, ठीक है? आ जाइए लास्ट के दो डिजिट। चार से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के दो डिजिट चार से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है? आ जाइए एग्जाम्पल 1567 92, क्या डिविजिबल है? 1 2 3 4 7 5, क्या डिविजिबल है? नहीं है। ये है कैसे चेक कर रहे हो? लास्ट के दो डिजिट से। 92 इज डिविजिबल बाय 4, यस। और रिमाइंडर भी यहां से आ जाता है, जैसे कि मान लो आपसे बोला गया 1 3 7 6 8 9 5 2 को चार से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप ये देखोगे लास्ट के दो डिजिट अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो होगा। अगर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूं 1 7 9 5 6 3 को अगर चार से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ? रिमाइंडर क्या होगा? तो पूरा डिवाइड मत किया करो कभी भी, पूरा डिवाइड मत करो। क्या करोगे? केवल लास्ट के दो डिजिट को ले लो। तो क्या आ रहा है? एक तो माइनस का एक आ रहा है और एक प्लस का तीन आ जाएगा, माइनस का एक और प्लस का तीन दोनों। केवल लास्ट के दो अंक डिसाइड करते हैं, तो अगर वो डिविजिबल है तो जीरो आएगा रिमाइंडर, अगर नहीं है तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो आंसर है। पूछ भी सकता है, रिमाइंडर पे भी आ सकता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेवन थ्री सिक्स एक्स फाइव वाई टू, यदि
12 से डिविजिबल है। तो एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। विकास कह रहा है सर मुझे बेसिक से मैथ पढ़ना है, ये चल रहा है ना भाई, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता कई बार, फाउंडेशन ज्वाइन कर लो अनअकैडमी पर, एसएससी कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, साहिल 10 लगाकर। जवाब दो तो सर क्या करते हैं इसमें, इसमें अपन एक है ना जैसे 12 से देख रहे हो तो इसके टुकड़े कर दो को प्राइम पेयर, तो सर 4/3 आ रहा है। हाँ तो इसी से चेक करो आप, 3 से चेक करोगे तो क्या लॉजिक होता है, 3 से चेक करोगे तो सम ऑफ डिजिट 1 2 3, ये 3 गया, ये 6 गया, 7 और 5 12 गया और ये 2 बचा, तो एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 3 से डिविजिबिलिटी होने के लिए ये 3 हो सकता है, ये हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है ना, तो मैं केवल एक्स प्लस वाई पे बात कर रहा हूं, तो ना मेरी बात, तो क्या क्या हो सकता है उस पे बात करता हूं। तो भाई ऐसी बात है कि ये आ रहा है एक्स प्लस वाई, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, एक्स प्लस वाई बराबर अब अपने 6 है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 हो सकता है, और 9 है तो ये 7 हो सकता है, 12 है तो ये 10 हो सकता है, 10 समझ रहे हो ना लॉजिक क्या कह रहा हूं। हाँ सर 4 वाला तो देखो, देख लेंगे हमारा क्या जा रहा है, पहले हम इसकी भी तो पूरी कर लिया, कर ले कॉन्सेप्ट, 12 तक हो गया, अब आएगा 15, 13 हो सकता है, 15 के बाद आएगा 18, तो 16 हो सकता है, 21 भी हो सकता है, क्या 21 नहीं हो सकता, ये क्लियर है। चलो सर तो आप ये कह दो सर 16 है मैक्सिमम वैल्यू, तो 16 आ जाएगा भाई, 16 तक चलेगा, तो लो आंसर आ गया, 1 से ही आ गया आंसर, मजा आ रहा है सर वाई निकाल के करते तो वाई निकाल के करते तो क्या क्या कर लेते भाई, वाई और 2 है, 4 से चेक करते आप तो क्या आता, 4 या 12, वाई की वैल्यू 1 हो सकती थी, वाई की वैल्यू 3 हो सकती थी, 4 8 32, और 4 से और क्या जाता, 4 8 32 और 72 भी जाता है ना, 13 चौके 52, 5 भी हो सकती थी, और 72 भी, तो 1 3 5 7, इसके बाद 9 हो सकती थी, तो वाई की इतनी वैल्यू हो सकती थी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती और x की कितनी होती वो आप देख सकते कि यहां अगर आप 9 रखते तो यहां 4 आ रहा है, और यहां अगर 9 रखते तो यहां आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आप तो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो ना, तो आंसर कितना आ जाता, 16 डायरेक्टली। तो क्या 4 वाला कोई लॉजिक भी बनता, नहीं, मजा आया, अच्छा लगा ना, ये होती है बात। तो लॉजिकल अगर आप सोचते हो तो आपको कहीं कोई बीट नहीं करने वाला, 3 से डिविजिबिलिटी से ही निकाल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है चलिए आगे चलें, आ जाओ।
पांच से डिविजिबिलिटी देखते हैं। आज टेस्ट होगा रात को 8 बजे, जो भी कल तक पढ़ाया है उसका नंबर सिस्टम में। पांच से डिविजिबिलिटी भाई, अगर मान लो कोई यूनिट डिजिट है, जीरो हो या पांच हो, तो पांच से डिविजिबल हो जाएगा, जीरो हो या पांच हो, ठीक है। चलिए, तो कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो क्योंकि कोई भी जीरो हो, पांच हो, पांच से होगा, छह से, छह से, तो वह संख्या दो और थ्री से डिविजिबल होनी चाहिए। दो और तीन दोनों से होगी तो हो जाएगा सात से। देखिए, अब सात से डिविजिबिलिटी का पहला नियम, डायरेक्ट पूछे तो डिवाइड कर लेना, क्योंकि सात का पारा आपको आता है। दूसरा, सीड नंबर, बीजांक नियम। तीसरा, छह डिजिट का रिपीटेशन होता है, छह छह में, बारह बारह में, ऐसे आ जाए तो ठीक है। तो तीन चार कंसेप्ट से आप निकाल सकते हैं। तो सर, सात का सीड नंबर कैसे निकालोगे? सात का पाड़ा बोलो और वो बताओ कि कौन सा मल्टीपल एक लेकर आ रहा है इकाई अंक, और कौन सा नौ लेकर आ रहा है, बस ये बता दो। सात का टेबल बोलो और ये बताओ कि कौन सा एक इकाई अंक एक हो रहा है मल्टीपल में, और कौन सा मल्टीपल पहाड़े में, टेबल में, कौन सा नाइन लेकर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर सात या 21 होता है और सात सात 49। सर यही क्यों ढूंढा आपने एक और नौ? क्योंकि जो सीड नंबर होता है वो टेन एन प्लस माइनस वन के फॉर्मेट में होता है। तो अब आप मुझे बताओ 21 बनाने के लिए n को क्या रखोगे? तो 10 गुणा 2 प्लस का 1, और 49 बनाने के लिए 10 गुणा 5 माइनस का 1, यही रखोगे ना? यस, यही रखोगे। भाई दो रखोगे तो 21 आएगा, ये फॉर्मेट बनाना है, ये सीड नंबर का फॉर्मेट है। और मल्टीपल एक और 49 वाला ही बन पाए, मतलब एक और 9 वाला ही होगा, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 होगा 10 से, तो या तो 11 होगा, एक होगा या 9 होगा, तो एक और 9 वाला देख लो, ठीक है। तो सीड नंबर क्या हो गया? तो अगर यहां प्लस 1 आ रहा है तो ये एन जो होगा वो माइनस का 2, ये जो होगा वो प्लस का 5। तो कोई भी संख्या के दो सीड नंबर होते हैं, एक तो माइनस का माइनस होता है, एक प्लस होता है। तो सर क्या दोनों निकालने पड़ेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक निकाल लो और दूसरा सात में से घटा कर देख लेना। जैसे दो आया, मान लो माइनस में आ गया, तो सात में से दो घटाओगे तो पांच अपने आप प्लस वाला होगा।
ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां प्लस था तो सीट नंबर नेगेटिव में होगा, और यहां माइनस है तो सीट नंबर प्लस में। लॉजिक बताओ, आ जाओ। इनको भी करेंगे ना डिविजिबल करके, ये 6 डिजिट वाला भी बताऊंगा, इसका कोई मेन लॉजिक नहीं है, लेकिन लो लॉजिक है वो सीट नंबर वाला है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, चेक करो 7 से डिविजिबल है, और ज्यादा होशियारी मत करना। डायरेक्ट डिवाइड करके चुपचाप सीट नंबर लगाओ। चलो हाँ, कहीं और सोचेगी, लो कर दिया, हो गया। तो सर कैसे लगाएंगे सीट नंबर से? मैंने कहा यार देखो माइनस का 2 ले लेता हूं, छोटा वाला ले लेता हूं। सर मतलब क्या होता है ये तो बताओ। मतलब कुछ नहीं है, ये सीट नंबर है, कहां से आया? सॉल्व करने पर आया। हर किसी नंबर का रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है वो तुरंत भी निकल जाता है, हाथ के हाथ भी, वो आदत पड़ने के ऊपर। ठीक है ठीक है, कोई देख, और ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये कभी कभार आ जाते हैं पेपर में। तो माइनस का 2 क्या करूं इसका? कुछ भी मत किया करो, संख्या के इकाई अंक से गुणा कर दिया करो। तो 3 माइनस 2 माइनस का 6, तो जो बची हुई संख्या बची कौन सी बची? यही तो बचे, उसमें से -6 घटा दिया, तो 12 में से 6 गया तो 6, तो 546। फिर क्या करूं? फिर जो नया इकाई अंक है उसको -2 से गुणा कर दो, तो कितना आया? -12। फिर किसमें से घटा दो? बची हुई में से 42। क्या 42 7 से डिविजिबल है? यस, तो यह संख्या भी 7 से डिविजिबल है। अगला चेक करना उसी तरह से, ठीक है? बताओ सीट नंबर से करना, ठीक है? तो क्या करोगे? सर 7 का डिविजिबिलिटी वाला सीट नंबर, एक तो नेगेटिव वाला था -2, और एक +5 भी है, तो +5 से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन +5 में क्या होगा? जुड़ेगा, क्योंकि प्लस है, यहां घटा रहे थे माइनस था इसलिए। तो 5 या 15, तो बची हुई संख्या में 15 जोड़ दो। हाँ, 5 या 15, 6 5 30, 63 आ गया है। सिंपल सी बात, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो +5 से भी कर सकते हो। +5 ले रहे हो तो इकाई अंक में गुणा करो और बची हुई संख्या में जोड़ दो, फिर नया इकाई अंक बनेगा, फिर 5 का गुणा करो और फिर बची हुई संख्या में फिर जोड़ दो, फिर बनेगा, फिर 5 का गुणा करो और बची संख्या में जोड़ दो, और कुछ करना ही नहीं है।
माइनस दो भी ले सकते हो, वही गुना नहीं है। ठीक है सर, दिमाग में ये सारी चीजें सेट है सर, डायरेक्ट ही कर लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। अगला, अरे अच्छा अगला देखिए, अरे भाई सीट नंबर वही तो बताए थे, दिमाग नहीं लगाते हो। बताओ भाई, 3x92 7 से डिविजिबल है, जो अपना फोकस क्लास में रखेगा वो ये बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं करेगा कि -5 क्यों नहीं, कहां से आया, क्यों आया। रेगुलर देखते रहोगे तो समझ में आएगा भाई, नहीं तो तुम यार घूम ही रहे हो 10 जगह, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यार, मैं अपना टॉप क्लास कंटेंट दे रहा हूं, और जो रेगुलर फॉलो कर रहा है, सुन रहा है, वो करेगा बस। तो इसलिए निश्चिंत तो होकर पढ़ाई करो, मन से करोगे तो आएगा, नहीं तो तुम कहीं घूमो, अपन को क्या है। आ जाओ सर, अगर 7 से डिविजिबल है तो सीट नंबर आपने 2 बताए थे, अब कोई सा भी यूज कर लेंगे हम तो। एक माइनस का 2 था, एक प्लस का 5 था, दोनों निकालने का तरीका बताया था, तो प्लस 5 वाला ले लेता हूं। तो 5 गुनी 10, तो बची हुई संख्या में 10 जोड़ दो, तो 9 1 3। अब एक नहीं आएगा यहां पर, ये 9 लिख दो, और x+1 क्या होगा बताओ। तो मैं ये जानता हूं 7 के टेबल में 300 के आसपास कब जा सकते हो आप, 47 × 7, तो 7 × 7 49 कैरी आया 4, 7 × 4 28 और 4 32, 329 पर। यानी कि एक्स आपका क्या होगा, 1, तभी ये 329 बनेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसलिए काम का है, ठीक है। तो 3192 होगा, तभी वो 7 से डिविजिबल हो। शिव कह रहा है सर ये क्लास CHSL के लिए इनफ है क्या, तुम्हें कम लग रही है क्या शिव, तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है ये तो बता दो, तुम्हें ये कम लग रही है क्या CHSL के लिए। एक और क्वेश्चन ले जाओ, चलो ये होमवर्क है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में सब आंसर देना, और कोशिश करना सब सही आंसर दो, क्लियर भाई साहब। चलिए ठीक है ना डियर, आ जाइए। तो 2 मान हो सकते हैं, लेकिन एक आंसर सही, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क है, इसके भी 2 मान भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो एक बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी यही माना था जो मैंने मल्टीप्लाई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए यहां तक कोई इशू, चलिए सर कैसे लेगी क्लास, जल्दी से बता दो। अभी ये होमवर्क के क्वेश्चन है, जिन्हें कर सको कर लेना, बाकी अभी मत करो, मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज क्या होगा आपका, आज मैं बता देता हूं, आज आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट कहां पर होगा, अनअकैडमी पर होगा। जितना भी मैंने आज की क्लास का नहीं आएगा, लास्ट तक जहां तक पढ़ाया वहां तक आएगा। अभी क्या होगा, 12:30 बजे क्लास है, 5 बजे टिक्नोमेट्री होगा, और रात को 8 बजे टेस्ट होगा। लिंक आपको टेलीग्राम मैथ भाई साहिल सर पर, टेलीग्राम चैनल है मैथ भाई साहिल सर, और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। 3 बजे कैच द मैथ जरूर लिया करो आप लोग, डेली एक मॉक टेस्ट लेता हूं,
5 से 6 हजार बच्चे देते हैं, आपको भी देना है। एवरेज चल रहा है सुबह 9 बजे, टॉपिक वाइज मजा आ रहा है, आप रेगुलर आओ सुबह 9, 11, 12:30 और 3, ये रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करो मेरे साथ। बिगनर टू एक्सपर्ट बैच में जुड़ो, 3 बजे कैच द मैथ होगा, 5 बजे ट्रिग्नोमेट्री और 8 बजे नंबर सिस्टम का टेस्ट जरूर आना है आप लोगों को, क्योंकि वो आपके लिए ही है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर मैं अगली बार से टेस्ट लूंगा ही नहीं, अगर आप टेस्ट दोगे तो मैं रेगुलर टेस्ट लगाऊंगा फिर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उससे पॉजिटिविटी आती है, आप कितने सीख रहे हो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे विद्यार्थियों को उसमें वो नंबर ला पा रहे, सोच पा रहे, तो वो टेस्ट से ही संभव है। तो रात को 8 बजे टेस्ट जरूर लगाना है आज, ठीक है? चलिए एसएससी एग्जाम में जुड़िए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर अगर कहीं भी जुड़ते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है? तो अनअकैडमी पर साहिल 10 लगाकर आप जुड़िए, रेज हैंड फीचर, आस्क ए डाउट फीचर सब कुछ मिलने वाला है। रिपोर्ट कर सकते हैं इनऑपरेबल कंटेंट के लिए और क्लेम कर सकते हैं प्राइज को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग पीडीएफ मैथ बाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर, और 5 बजे वाली क्लास की लिंक भी मिल जाएगी और 8 बजे वाला टेस्ट भी, तो जरूर जुड़े, मैं आपका इंतजार करूंगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।